हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा। मेरे चैनल पहल जीके में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज टेस्ट 14th लेके आई हूँ। मैं अपने चैनल में MBBSC टेस्ट सीरीज़ चला रही हूँ, जिसमें मैंने टेस्ट 13 तक बना दिए। 13 टेस्ट मैं बना चुकी हूँ, आज मैं 14वां टेस्ट लेके आई हूँ। ये संजीव मालविया जी के द्वारा बनाए गए हैं, जो 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ इनको, पूरे जितने भी टेस्ट हैं उनको देखिएगा और उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में हेल्प मिले। इसके अलावा मेरे चैनल पे MPGK के भी टॉपिक चल रहे हैं, वो भी देखिएगा फ्रेंड। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक जो रहते हैं, जो हमको एग्ज़ाम में आते हैं और एक बुक में हमको एक जगह पे नहीं मिलते, वो मैं अपने चैनल पे पूरा लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर है 1934। सेकेंड क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस किसकी रचना है? आंसर है आर मिसग्रेव। द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस किसकी रचना है? आर मिसग्रेव। थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्रा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर है 1950। फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्य होगी? आंसर इसका अनुच्छेद 141। फिफ्थ क्वेश्चन है, आल्पस में बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? आंसर है इसका फोहन। छठवां क्वेश्चन है, KCC ऋण योजना का उद्देश्य क्या है? आंसर है फसल ऋण। सातवां क्वेश्चन है, किसका अन्य नाम गोलकी मठ है? तो 64 योगिनी मंदिर का नाम गोलकी मठ है। आठवां क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य में यूनिवर्सिटी फॉर ग्लोमिंग यूनिवर्सिटी फॉर गेमिंग स्थापित करने का निर्णय लिया? यूनेस्को आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी फॉर गेमिंग स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला डिजिटल आर्ट संग्रहालय कहाँ बना? तो विश्व का पहला डिजिटल आर्ट संग्रहालय बना है टोक्यो में। दसवां क्वेश्चन है, बेंगलुरु द्वीपों के विकास के लिए बनाई गई द्वीप विकास एजेंसी IDA का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था जून 2017 में। चलिए फ्रेंड्स, ग्यारहवां क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को लाग बख्श कहा जाता है? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। बारहवां क्वेश्चन है, सिकंदर की सेना का संगठन किस पद्धति पर आधारित था? आंसर है फेलिक्स पद्धति पर। तेरहवां क्वेश्चन है, मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर है BD सावरकर। चौदहवां क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के समय भारत के विदेश मंत्री कौन थे? तो ये थे जसवंत सिंह। पंद्रह क्वेश्चन है, पंचायत दर्पण क्या है? तो पंचायतों की क्रियोजनाओं की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा जारी वेबसाइट। सोलहवा क्वेश्चन है, कर्णावती नगर किस वंश द्वारा स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है चालुक्य। अठारहवा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के लिए सबसे अधिक सैनिक किस देश द्वारा भेजे जाते हैं? तो आंसर है इसका इथियोपिया। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के लिए सबसे अधिक सैनिक इथियोपिया द्वारा भेजे जाते हैं। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बीसवा क्वेश्चन है, जैन मान्यता के अनुसार 22वें तीर्थकर कौन है? तो इसका आंसर है अरिष्ट नेमी, 22वें तीर्थकर है। 21वां क्वेश्चन है, कौन सा विभाग प्राचीन काल में कंटक शोधन के नाम से जाना जाता था? तो न्यायपालिका को प्राचीन काल में कंटक शोधन कहते थे। 22वां क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा दूसरे विवाह को प्रतिबंधित करती है? इसका आंसर है धारा 17। धारा 17 दूसरे विवाह पर प्रतिबंधित करती है। 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हो गया? तो आंसर है कृष्णा सोबती। 24वां क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2018 के लिए किस हिंदी शब्द को चुना? आंसर है नारी शक्ति। मध्य प्रदेश का वड़गांव क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का जो वड़गांव क्षेत्र है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो वड़गांव क्षेत्र है वह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। 26वां क्वेश्चन है, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा दोहरे शतक बनाए हैं? सबसे ज़्यादा दोहरे शतक बनाए हैं डॉन ब्रैडमैन ने।
27वां क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 243 आई में वित्त आयोग का गठन किया गया। 28वां क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों की कमान किसके हाथों में थी? तो इसका आंसर है मुनरो में। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर है नोवाक जोकोविच। तो फ्रेंड्स ये थे आज का हमारा टेस्ट 14। अभी तक टेस्ट सीरीज़ में 14 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आगे का टेस्ट मैं आपको कल लेके आऊँगी। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी जो आपको इजीली नहीं मिलते हैं, इसलिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।